सौ सुनार की एक लोहार की, और कितने भी तकनीक आप यूज़ कर लो ना, लेकिन अनुभव उस पे सब पे भारी पड़ता है। और वही आज दिखा दिया हमारे अनुभवी मछुआरों ने, दुर्ग के अनुभवी मछुआरों ने। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे एक फिर से नए एक वीडियो में। और यह वीडियो कोई व्लॉग या कोई डेली रूटीन का नहीं है। इस वीडियो में बात करेंगे 3 दिन पहले हुई घटना पर और अनुभव और तकनीकों पर। तो बात शुरू होती है 3 दिन पहले रात 11 साढ़े 11 बजे की, जो शिवनाथ नदी, जो अभी मैं खड़ा हूँ वो पुल है शिवनाथ नदी के ऊपर ही। लेकिन ये पुल नहीं, दुर्ग के अंजोरा मतलब राजनांदगांव को जोड़ने वाली पुल है। और उस पुल पर मतलब दो पुल है वहाँ, एक छोटी है एक बड़ी है। छोटी वाली पुरानी है और बड़ी नई बनाई गई थी। उस पर तो जो घटना हुई थी रात 11 बजे परसों, 3 दिन पहले, तो एक घटना हुई थी। एक कार राजनांदगांव साइड से आकर, छोटे वाले पुल से आकर गिरी थी जाके नदी में। और देखा था वहाँ एक गोताखोर, पुराने गोताखोर ने, और वो दावा करते रहे कि यहाँ पर एक हादसा हुआ है, मैंने देखा है। और उसी दावे को लेकर पुलिस की टीम ने और SDRF और NDRF की टीम सुबह नदी में उतरी, और उन्होंने पूरा छान मारा। पूरे SDRF NDRF की टीम आई, हमारे बहुत सारे तकनीक आए, और वो छान मारते ही रहे नदी के नीचे बहुत सारे के मिलेगा, कोई कार मिलेगी या जैसा भी होगा। क्योंकि जो बोले थे ना, श्याम नाम है वो चश्मदीद गवाह का, वो रात को 11:30 बजे देखे थे। और जो वाक्य हुआ आप बाकी न्यूज़ चैनल में आप देख सकते हैं, वो जो जो बताया, जो कहानी वो बताया कि कैसे हुआ, क्या करने आया था वो। तो उस हिसाब से सब छानबीन करते रहे। और एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, मतलब 2 दिन हुआ नहीं मिला। आज तीसरे दिन बोला गया था ऐसा कि SDRF और NDRF की टीम की तरफ से कि आज आखिरी बार है, हम ढूंढेंगे, उसके बाद नहीं मिला तो जो होगा देखा जाएगा। और उन लोग रिस्क भी नहीं ले रहे थे अच्छे से, क्योंकि डरते हैं ना अभी की तकनीकी में। और पानी का बहाव मेन है, जो पानी का बहाव आप देख सकते हैं कि अभी तो 3 दिन पानी नहीं गिरा है अच्छे से। तो ये पानी आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ के पुल में, जो हमारे गांव का पुल है शिवनाथ नदी के ऊपर, जो तनिया और हमारे गांव ननकट्टी को जोड़ने का काम करता है नदी, उस पर। और ये सेकंड या थर्ड पुल बोल सकते हैं आप, क्योंकि बीच में बस बेलौदी और चिखली को जोड़ने वाली और पड़ती है उस दुर्ग और राजनांदगांव को जोड़ने वाली पुल के बाद। तो वही है कि ऐसा था कि बहाव ज़्यादा था तो लोग और टीम डरते थे। और पूरे उस वाक्य को दर्शाने के लिए, उस वाक्य को और उस स्टोरी को कवर करने वाले पूरे न्यूज़ चैनल वहाँ पे पहुँचे हुए थे। 3 दिन से वहाँ थे, और वहाँ पे गुरुद्वारा में खाना पीना, उनका लंगर में खाना पीना सब चीज़ चल रहा था। और जितने भी लोकल यूट्यूबर थे, न्यूज़ वाले या जैसे भी ब्लॉगर हो, वो भी पहुँचे थे 3 दिन तक पूरे उस न्यूज़ को कवर करने के लिए। ऐसा था तो मौका फरस्त बोलते हैं वैसा जो बोल सकते हैं आप, लेकिन मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं वो भी अपने चैनल के लिए, अपने व्यू के लिए। और मैं भी सोचा कि आज तीसरे दिन जाऊँ कि वहाँ क्या हो रहा है, मैं भी थोड़ा देखता हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट रहता है। ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूब के लिए जाता या वीडियो के लिए जाता, नहीं, शायद वीडियो के लिए नहीं जाता, बस वहाँ देखता कि क्या हो रहा है। तो फिर भी मैं नहीं गया, क्योंकि भीड़ आज सुबह से लगी पड़ी थी वहाँ। कम से कम हजारों, 2 हज़ार, 2-3 हज़ार की संख्या में बड़े वाले पुल में पूरे लोग लाइन से लंबे से, और वैसे ही नीचे अब लगे हुए थे देखने में। अब कौन किसको क्या रोकेगा भाई, और टीम जो थी पुलिस की और NDRF की, वो कई कितने लोगों को मना करेंगे, और उनको भी सुरक्षा का ख्याल रखना था, इसलिए सब का जाते गए। मैं सोचा भीड़ बढ़ाने नहीं जाएंगे, जो भी था हम सभी न्यूज़ पर मैं नज़र रख रहा था, हमारे आसपास के लोकल न्यूज़ और ब्लॉगर बाकी सबके चैनलों में। हाँ, तो बात आती है फिर सुबह की। आज जो तीसरा दिन था, तो उन्होंने कहा था कि आज लास्ट डे है और बाकी सभी तकनीकी उपयोग किया जाएगा। लेकिन वहाँ के जो लोकल मछुआरे थे, जो 20 से 22 लोगों की टीम थी, उन्होंने कहा कि हमको 2 घंटे दीजिए, हमको हमारे शर्त पर काम करने दीजिए, हम 2 घंटे में आपका काम करके दिखाएंगे, उस कार को निकाल के दिखाएंगे। उन्होंने वैसा ही कहा। और 12 से 13 लोगों की टीम, उसमें 20 22 में से 12 से 13 लोगों की टीम मैदान में मतलब नदी में उतरी, और कार को 300 से 500 मीटर के बीच में, 20 से 30 30 फीट के गहराई में उन्होंने कार को ढूंढ निकाला, जाल डाला। उन्होंने जाल पर जब फंसते देखा तो उनको विश्वास हो गया, और वहां पे जाकर देखा कि कार वहां मिला उनको। तो ऐसा था
तो मैंने कहा था ना 100 सोनार की 1 लोहार की, तो भाई कितना भी तकनीकी ला लो, आप कितने भी तकनीकी साधनों का उपयोग कर लो, लेकिन अगर कोई पुराने हथकंडे अपना रहा है, पुराने अनुभव है, पुराना अनुभव है उनको, तो वो काम करके दिखाएगा, तकनीक यहाँ फेल हो जाता है। यही बात उन मछुआरों ने सही करके दिखाया, क्योंकि उनको अनुभव था इस चीज़ का, और तकनीकी कितना भी वहाँ पे लगा लिए लेकिन कोई काम नहीं आया, उनके अनुभव ही काम आए। तो फिर कार को निकाला गया, कुछ देर पहले कार को निकाला गया, सुबह से टीम सब जुड़ी थी, और वही सब वो भी बोल रहे थे कि मछुआरे लोग के हम इतना काम करते हैं, हम पुराने अनुभव है, फिर भी हमको शासन कुछ नहीं देखती, हमारे लिए कुछ नहीं करती। बिल्कुल सही कहा उन लोगों ने, उनका कोई वैल्यू ही नहीं है, उनका कोई सम्मान ही नहीं किया जाता। और बार बार बोला इसलिए जा रहा था कि भाई उन्होंने वहाँ पे पूरा जीवन बिताया है, वो अच्छे से जानेंगे कि कहाँ क्या हो रहा है। और रही बात कार किसकी है, तो कार रायपुर की निकली आज सुबह सुबह, जिस दिन कार मिल रही है आज सुबह सुबह, वो वहाँ से रायपुर से एक कंप्लेन हुआ था कि किसी का कार गुम है, और उसमें एक मतलब किसी ने कंप्लेन किया था कि उसका फ्रेंड लापता है, तो एक ही सवारी मतलब उस कार में एक शव मिला, जो एक पर्सन का मिस होने का, गुमशुदा होने का FIR किया गया था। तो जैसा भी है, तीन दिन बाद ये ऑपरेशन सफल रहा, और इसमें उन मछुआरों को ही श्रेय देना चाहिए और उस इंसान को देना चाहिए जिसने उस घटना को देखा और अपनी टीम लेकर अपने जान को जोखिम में डालकर उस बात को सही साबित करने के लिए मैदान में उतरे, मतलब नदी में उतरे, सभी चीज़ों को ध्यान में ना रखते हुए। और मैं ये न्यूज़ इसलिए नहीं बना रहा कि मुझे व्यूज चाहिए, उस चीज़ पर रोशनी डालना है, रोशनी इस बात पर डालना था कि अनुभव ही काम आता है, और चाहे आप कितनी भी तकनीकी चीज़ों का उपयोग कर लें, और पानी का स्वभाव ही होता है बहना, बहते जाना और बहा ले जाना, जैसे आग का स्वभाव होता है जलना और जलाना, तो पानी भाई उसका प्रकृति है कि वो बहते जाएगा और जो भी सामने में आएगा उसको बहा ले जाएगा। बड़े बड़े भाई बहुत बड़े से बड़े चक्रवात आए, बहुत सारी चीज़ें आई और सुनामी आई, बाढ़ आते हैं, तो आप भाई पानी से खिलवाड़ ना करें। अभी कुछ और चीज़ें देख रहे हैं हम, जतमई घटरानी में लोग जा रहे हैं, पानी से मस्ती कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ना घटरानी में क्या हुआ था कि एक बंदा पानी में नीचे खेलने उतरा, उससे मस्ती करने उतरा, शायद पत्थर वत्थर में सर लगा होगा जो भी होगा, और पानी में फिसल कर उसकी मौत हो गई। फिर उसके शव को कुछ घंटों बाद मशक्कत के बाद निकाला गया। वैसे शिवनाथ नदी में ही पुल पर नहीं, हमारा एनीकट पर कुछ दिन पहले एक छात्र 17 या 14 साल का छात्र था, वो भी बह कर चला गया। और अभी 2-3 दिनों में कई सारे वीडियोस आए हैं जो कार के साथ मस्ती कर रहे हैं, कार में लेकर चले गए उस पार जाएंगे करके पुल के उस पार, वो भी बह गए। और एक बाइक वाला निकाल रहा था, उसका बाइक भी बह गया, वो भी बह गया, और एक साइकिल वाला था, एक पैदल थे, सब के सब बह गए भाई, क्योंकि कुछ ना कुछ है। और पानी का स्वभाव जैसा होता है बहा ले जाना, ज़्यादा होगा तो वो बहा ले जाएगा। तो आप प्रकृति के चीज़ों के साथ, प्रकृति के रूपों के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि आप एक समय तक ही सक्षम हैं, लेकिन उसकी शक्ति असक्षम है, जिसका कोई तो मोल ही नहीं है, जिसका कोई तुलना ही नहीं किया जा सकता। तो आप सावधान रहिए, और इस बात पर गौर डालने के लिए मैं ये वीडियो, चलिए तो वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।